अगर आपको रेसिपी बनाने में कोई इश्यू हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगी। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उसके लिए मैंने लिया है एक मिक्सर जार, जो कि सूखा है, क्लीन कर लिया है मैंने, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने कुछ लहसुन की कलियां ली हैं, जिसका मैंने रैपर हटा दिया है, छिलका हटा दिया है। और ऐसे ही आपको लहसुन की कलियां लेनी है, आप क्वांटिटी जितना चाहे आपको जरूरत हो उस हिसाब से आप जो है रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ही रखा है, ठीक है, ताकि मैं दिखा सकूँ अच्छे से। तो इसको जो है हम एक बार जो है मिक्सर में चला देंगे, तो इसका थोड़ा टाइप हो जाएगा। पेस्ट तो नहीं बनाना है हमें, सिर्फ दरदरा सा रखना है, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, इतना दरदरा सा रखना चाहिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी दरदरा कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें एक प्लेट में रखना है और इसको 2 दिन के लिए धूप में सुखा देना है, समझ गए। 2 दिन के लिए धूप में सुखा देना। 2 दिन के बाद देखिए कितने अच्छे से ये जो है, आपको आवाज आ रही होगी, बहुत ही अच्छे से सूख जाते हैं। उसके बाद हमें इसको अपने मिक्सर जार में डालना है। आप देख सकते हैं मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है। अब इसको हम करेंगे, इसी में पीसेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा ये गार्लिक पाउडर बन के रेडी हो चुका है। मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा गार्लिक पाउडर बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो, ये आप कभी भी किसी भी सब्जी में डाल दीजिए। गार्लिक की जो जरूरत होती है, लहसुन की जो जरूरत पड़ती है, वो हर एक सब्जी में पड़ती है, पराठे में पड़ती है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और खुशबू भी पूरे रूम में फैल गई है। आपको तो पता है लहसुन बहुत ही ज़्यादा जो है अपनी खुशबू छोड़ता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही, मेरी फर्स्ट रेसिपी जो मैं आपको बताने वाली थी, गार्लिक पाउडर, लहसुन की पाउडर, इसको आप कहीं भी डेली आप। सेम तरीके से गाइज मैंने ये जो है अदरक ले लिया था, अदरक के भी मैंने जो है छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे और सेम मिक्सी में डाल के इसको जो है थोड़ा सा दरदरा पीस दिया था मैंने, तो वो कुछ इस तरह से बन गया था, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको जो है सुखा दिया था धूप में, इसको भी मैंने 2 दिन सुखाया था, ठीक है। तो ये मैंने मिक्सी में इसको पीस के किया था, इसलिए जो है ये बहुत ही आप देख सकते हो बहुत ही जल्दी और सूख भी गया था, 2 दिन के अंदर ही सूख गया था, और ये जो है बहुत पतला पतला दिख रहा है। इसको भी हम क्या करेंगे, पाउडर बना के रखे बनाएंगे और दिखाती हूँ मैं आपको कि इसका भी पाउडर कैसा बनता है। तो मैं इसको भी डालती हूँ मिक्सी जार में। तो गाइस देखिए, ये घर का बना शुद्ध जिंजर पाउडर, कोई कह सकता है कि आपने जो है घर पे बनाया और ये शुद्ध है, क्योंकि आपने जो है अदरक को अच्छे से जो है हमें वॉश करना है, फिर उसके बाद उसको जो है ग्राइंड करना है, 2 दिन सुखाना है, और उसके बाद हम इसका पाउडर अच्छा क्लीन अपने आंखों के सामने बना हुआ ये जिंजर पाउडर रेडी हो चुका है। तो 2 चीज़ों का ये आपको रेसिपी बताई है। एक टिप्स भी बताना चाहूंगी मैं आप लोगों को, अगर आपको 1 साल के लिए स्टोर करके रखना है जिंजर को, तो आप जो है सीजन में सस्ते, बहुत सस्ते आते हैं, और इसके लिए आप सीजन में ले सकते हैं। मैंने इस जिंजर को भी जो है धो के साफ कर लिया था और इसके थोड़े बड़े बड़े पीसेस मैंने रखा था, ठीक है। आप 1 साल तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं, जब तक कि न्यू सीजन ना आए, और आपका आप भी कभी भी यूज कीजिए। इसका चाय बहुत अच्छा बनता है, मेरा तो फेवरेट है चाय, तो मैं चाय के लिए मोस्टली रखती हूँ अपने घर में। तो ये चाय के लिए आप चाय में भी यूज कर सकते हैं, सब्जी है जिसमें रिक्वायरमेंट है उसमें आप डाल सकते हैं, पराठे में भी रिक्वायरमेंट होती है अदरक की, अदरक मोस्टली ज़्यादातर रेसिपी में ज़रूरत पड़ती है, तो आप वो हर जगह जो है यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है आप इसको 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं, और जो भी हम मार्केट का सोट लेके आते हैं, अदरक का सूखा हुआ उसको सोट बोलते हैं, तो लाते हैं तो इतना साफ क्लीन नहीं होता है। आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको वॉश करके और इसके जो छिलके हैं वो उतारा नहीं है मैंने, देख सकते हो। अगर आपको पीस के रखना है तो आप ऐसे ही मिक्सी में डाल के पीस के रख सकते हो में, और 5 दिन में बहुत ही अच्छा सूख गया। अगर आपको और जल्दी इसका रिजल्ट चाहिए, मतलब कम टाइम में सुखाना है आपको, तो इसके जो मैंने अदरक का पाउडर बना के दिखाया वैसे टाइप में कर सकते हैं। 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में सूख जाता है, लेकिन अगर आप 1 साल के लिए स्टोर कर रहे हैं तो आप इस तरह से स्टोर कीजिए, और इसके भी पाउडर बहुत ही अच्छे बनेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ इसका भी पाउडर, देख सकते हैं गाइस। ये जो है बारीक जो मैंने किया था, क्रश किया था उस अदरक, ये जो है जो मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में किया था, इसमें हल्के हल्के एक आध छोटे आ गए हैं अदरक,
जिसको आप चाहे तो छान के भी रख सकते हैं। वैसे छानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऐसे भी डाल सकते हैं कोई भी सब्जी में, चाय में, और इससे मेरी चाय तो बहुत टेस्टी बनने वाली है। अगर आप चाय के लिए ये मसाला यूज करने वाले हैं अदरक, तो आप इसमें साथ में लौंग, इलायची और बड़ी इलायची, दालचीनी, ये सारी चीजें भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये मैं मसाला बना रही हूँ चाय के लिए। इसमें है छोटी इलायची, आप देख सकते हो इसमें छोटी इलायची है, गोल मिर्च है और ये लौंग है, ठीक है। इन सारी चीजों को मैं इस अदरक के साथ जो है मिक्स करके, और ये चाय का बहुत ही अच्छा मसाला बन जाएगा। और इससे आप चाय जो है, कोई किसी ने बोल दिया चाय का टाइम बच जाएगा और बहुत ही अच्छे से बहुत ही टेस्टी चाय बनेगा। आप इसमें ऐड करना चाहे भी डाल रही हो, जिसको दालचीनी कहते हैं, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये लकड़ी है, तो ये दालचीनी है, इसको भी मैं ऐड कर रही हूँ इस मसालों में। और देखिए कितना टेस्टी मसाला तैयार होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा ये जो है चाय का मसाला रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी खुशबू आ गई इसमें, क्योंकि मैंने ये बना दिया है गार्लिक पाउडर। इसके लिए मैंने लहसुन इसमें डाल दिया ताकि समझ में भी आए और पता भी रहे मुझे, और आप लोग को भी समझ में आ जाए, ठीक है। ये है अदरक पाउडर, देखिए कितना अच्छा बना हुआ है अदरक पाउडर, और इसमें भी मैंने सोल्ट डाल दिया डेकोरेशन के लिए। ये मैंने मिक्स जो है कुछ है, और ये चाय का मसाला है, बहुत ही टेस्टी मसाला है। आप इसको डाल के चाय बनाइए, देखिए आपका मन फ्रेश ना हुआ ना तो कहिएगा। तो ये तीनों रेसिपी मैंने आपको बताई है, बताइएगा जरूर कि ये रेसिपी कैसी लगी। आप ये बनाती रहूंगी जिसमें आपका काम भी इजी हो जाए और चीज भी बढ़िया हो। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए बाय।